पानी के बोतल में दारू का मजा। देख लीजिए ट्रेन का कंडीशन। हाथ पकड़ना अच्छा नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, बैठ बैठ बैठ। खाना कैसा लग रहा है भाई? खाना कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है हम जैसे मुंह पे फेंकेगा, उसके पेंटी वाले के मुंह पे फेंकेगा। मतलब इतना घटिया खाना है। दोनों पैर एक साथ डालने का, डाला इसके अंदर, अंदर सेंटर में। हाँ, लुंगी पहनने का और इसके अंदर लुंगी के साथ घुस जाने का। जय हिंद दोस्तों, गोविंदा गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ तिरुपति बालाजी धाम में और आप मेरे ड्रेस से देख सकते हो कि भैया मैंने एकदम धोती कुर्ता पहन लिया है और आज तक मैंने कभी भी धोती कुर्ता नहीं पहना था, क्योंकि अभी मैं हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। मुंडन वुंडन करने का पूरा मैंने सोचा ड्रेस में ही आया था। और आप सभी को सोचो, मुंडन करा लिया, दर्शन कर लिया, तो आप सभी को ट्रेन जर्नी भी कराना जरूरी है ना। तो मैं आज जर्नी करने वाला हूँ भाई साहब तिरुपति के रेणुगुंडा में से गुजरने वाली ट्रेन यानी कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ चढ़ने वाली एक लेजेंडरी ट्रेन जो कि 4100 पूरे के पूरे 52 किलोमीटर की इंडिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है यानी विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस में भाई सब जर्नी आप समझ सकते हो कैसी होती है। और अपनी जो जर्नी होने वाली है, लुंगी में हो, धोती में हो, पैंट में हो, किसी चीज़ में हो, भाई साहब जनरल क्लास में होने वाली है। चलिए दिखाते हैं जनरल क्लास का हालत क्या होने वाला है। बाकी ये तो मैंने उतारने वाला हूँ, बाकी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर जगन्नाथ धाम पुरी के दर्शन करने के लिए। चलते ट्रेन में। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के जनरल क्लास में, क्योंकि जर्नी भी जनरल क्लास में होने वाली है। और देख सकते हैं, मैंने बताया था इस ट्रेन का नाम सुनते ही लोग क्यों डर जाते हैं, क्योंकि भाई ये है विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस से डरना जरूरी है क्योंकि भाई भीड़ है कन्याकुमारी से लेके आसाम के डिब्रूगढ़ तक, ऐसा ही भीड़ होता है। और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ है राहुल भी जा रहा है। कैसा मजा आ रहा है ना? एकदम। तो भाई ये मजा लेगा, देखते हैं ये कितना देर तक मजा ले पाता है। और बाकी सभी लोग तो मजा ले ही रहे हैं, देख लो मजा क्या है। मतलब सजा ही है भाई, हाँ हाँ कहना पड़ेगा फंस गया तो। बाकी निकल चुके हम तिरुपति बालाजी धाम से, और आप सभी अपने लाइफ में कभी तिरुपति बालाजी नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। बाकी आप सभी के लिए तो हमने आशीर्वाद मांग ही लिया है उनसे। बाकी चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बैग रखने का जगह नहीं है, ये देखिए। अरे भाई रख लें यार, मतलब कहाँ रखेगा यार, रखने जगह यार, कहीं ना कहीं तो रखने जगह। उधर कहाँ जाएगा, हम लोग का दो तीन स्टेशन आगे उतरने, तो उधर कहाँ जाएगा? तो अब देगा पैसा यार, जनरल क्लास में गिलास लाओगे तो भाई ये नहीं रखेगा, मतलब अब देगा पैसा। तो ये कहाँ रखेगा मेरे दोस्त? देखो तो देखी, तो देखी कहते हैं कि वहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, एक हाथ में ले रखा है। तो सामान इतना है कि गेट पे देख लो बस इतना ही फंस के आदमी खड़े हैं। ये भैया तो बाहर ही खड़े हैं अपने ई रिक्शा पे, मतलब गेट भी नहीं खुलेगा तो आदमी गर्मी के मारे अपने परेशान होकर कुछ देर बाद लड़ने झगड़ने ही लगेगा। वैसे भी जुगाड़ लगाया ही जा रहा ऊपर रखने का। इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको निकाल दो। हाँ चलो, अरे थोड़ा थोड़ा बैठने दे दो भैया इनको भी। क्या बोला तूने? क्या बोला? यार ऐसे वर्ड कहीं समझा करो यार, औरत है, ऐसे समझा दो वो अच्छा है। हाँ सब बढ़िया से समझाओ, सब उठ जाएंगे। बैठने दे, लंबा दूरी से आ रहे, बहुत दूर से आ रहे, बहुत दूर जाना है इनको। अरे यार से नहीं है, हाँ नहीं, हाँ देखो हाथ पकड़ के मत कीजिए, ऐसे नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है ठीक है, ऐसे मुंह से बोलो हाथ उठने, हाँ ठीक है ठीक है, सभी आदमी टिकट, हाँ हाँ हाँ, कन्याकुमारी से पकड़ा है हमने, थोड़ा सा हाँ वही तो, हाथ नहीं पकड़ना चाहिए उनको, हाथ हाथ पकड़ना अच्छा नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, बैठ बैठ बैठ, खाली होगा बैठ जा, हल्ला मत कर, ऐसे किसी का हाथ नहीं पकड़ते भाई, सब सब एक जैसे नहीं होते, कोई लपेट ले। भाई साहब जैसे साउथ अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ धार्मिक स्थलों में फेमस है, लेकिन ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे अगर एक्चुअल में देखना है तो आप सभी को हमारे बड़े भैया के साउथ में घूमने आना पड़ेगा। बड़ा मज़ा आता है।
आपके तरफ हमारे तरफ। और आपके जैसे हिंदी बोलने वाले अगर साउथ के लोग मिले तो और डबल मजा आता है, क्योंकि आप लोग हमें कुछ कुछ बताते रहते हैं कि हम लोग कहाँ घूमे फिरे, और नहीं भी जो समझते हैं ना तो वैसे भी हम इशारे इशारे में बात करते रहते हैं, लेकिन बात जरूर करते हैं क्योंकि सफ़र का मज़ा एक दूसरे से बात करने में ही आता है। बाकी कहाँ से आप? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ट्रेन ही जा रही है। पूरा पहाड़ खत्म हो गया। सुनो मुझे खत्म दे रहा है। सुनो अच्छा अच्छे से दूर से पलगाड़ इंड अच्छे बनना मैं उ और दोस्तों देखो ये 10-10 रुपए वाला में संदेश पेड़ा मिल रहा है, उधर गया भाई बेच रहा है, मैं तो खाया हूँ भाई, एक नंबर स्वाद। और इसे देखो राहुल भाई भी खा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है भाई। मतलब स्वाद की चीज़ का आ रहा है इसमें? स्वाद इसमें है कोकोनट का। कोकोनट का तो मतलब भाई साउथ में एकदम मस्त नारियल वाला ये पेड़ा है, दिल खुश हो जा रहा है 10 रुपए में। यहीं पे चढ़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई, जनरल क्या ही हालत होता है। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी रेणुगुंडा के बाद रुकी अपनी पहली स्टेशन यानी आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में। और ट्रेन में क्या ही हालत बताऊं, यहां से वहां देखो हर जगह एक ही हालत है, मतलब भीड़ 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 और परेशानी, क्योंकि भाई ये ट्रेन ही ऐसी है, कुछ नया नहीं है, ये सब भीड़ और परेशानी इस ट्रेन के लिए। क्यों देखो ओरा झोरा बोरा लेके हर कोई निकल चुका है, चढ़ चुका है, और यहाँ से शायद अपने लोको पायलट चेंज हो गए। वैसे चार प्लेटफॉर्म का रेलवे जहाँ पे 197 ट्रेन आकर रुक जाती है, और जो नेल्लोर है ना भाई साहब अपने रिच एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, साथ साथ में इधर गन्ना वन्ना होता है, और साथ साथ में ही ये अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी मंदिरों को दर्शन करने के मिलेंगे, हिस्टोरिकल मंदिरों को जो कई हज़ार साल पहले के बने हुए हैं। बाकी अपना छोटा सा यहाँ पे 1-2 मिनट का हॉल्ट होता है, और निकल चुके हैं नेल्लोर से। बाकी ऐसी है भीड़, यहाँ से भी चढ़ाई है, देख ही लिए गेट के पास, उतरने वाले इसमें से कोई नहीं भाई, स्टेशन पे कोई उतर नहीं रहा है, केवल चढ़ने के लिए मिलेंगे। कहाँ तक जाएगा इतने लोग? वर्धमान, मतलब वेस्ट बंगाल जाना इन लोगों को। बाकी कोई क्या चढ़ना है क्या? चढ़ जाओ दूसरे गेट में, चढ़ जा वहाँ, चढ़ जा। ऐसे प्यार से बोलेगा साइड हट जाइए तो कौन हटेगा, ये चढ़ गया। बाकी चलते हैं हम लोग, और प्राकृतिक सुंदर के साथ साथ आप ऐसे खूबसूरत ब्रिज का भी मजा ले सकते हो। ये देखिए भाई साहब, लग रहा है कि हम लोग पम्बन ब्रिज यानी रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन, हम रामेश्वरम जाओगे ना भैया? हाँ जाएगा। तो ऐसा ही ब्रिज मिलेगा आपको एकदम खुला खुला, रामेश्वरम का मजा भी ले सकते हो इस नेल्लोर के ब्रिज के ऊपर। ये देखिए भाई ट्रेन जर्नी में ऐसा खूबसूरत नजारा, बड़ा ही अलग होता है। बाकी टोपी उड़ जाएगा, टकला दिखने लगेगा वरना। खूबसूरती का नजारा है ये फूल ओंगल, और ये है ओंगल का खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो कि सच में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों मैं और ये मेरे ओंगल में उतरे हुए दोस्त सभी पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश के 13वें सबसे बड़े शहर यानी ओंगल में। वैसे ये जो ओंगल है ना ये समुन्द्र के किनारे बसा हुआ है, तो एक छोटा सा कोस्टल एरिया है, तो अगर आपको समुद्री मजा लेना है तो इन आप लोग मतलब यहीं पकड़ रहे हो ना, तो इन भाई के साथ यहाँ पे ओंगल में आके मजे ले सकते हो। वैसे ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ओंगल, जो कि काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे 190 ट्रेनें आकर रुकती हैं। कुछ ओंगल के बारे में पता है आपको? ओंगल आज फेमस
ऑक्स फेमस। जी हाँ, ये जो बात कर रहे हैं ना, तो ये ओंगल जो है, यहाँ पे ओंगल प्रजाति का एक ऑक्स पाया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो कि यहाँ से ओंगल में मतलब वो एक एक मतलब फेस्टिवल होता है ना आप सभी का, जिसमें ऑक्स का भी उपयोग होता है। तो जब ये ऑक्स का फेस्टिवल देखे होंगे जो कि इधर में मनाया जाता है, केरला साइड में मनाया जाता है, तो जो लड़ाई वाला शायद ऑक्स के, तो भाई सर होता है, तो कभी आना तो देख सकते हो, बड़ा ही फेमस है। पता नहीं कि क्या ऑक्स रेस कहते हैं, तेलुगु तो मुझे नहीं आता, आप लोग कुछ बोलो, कुछ बताओ अपने ऑडियंस को, कुछ नहीं तेलुगु में कुछ बोलो, मैं इनको हाय कैसे बोलूंगा तेलुगु में, क्या हाय चाल है? केला ओनारू जो भी है भैया समझ लो। बाकी चलते हैं, 2 मिनट का छोटा सा हॉल्ट है, ठीक है भैया, मिलेंगे कोई। और भाई साहब घुस गए ओंगल में, और ये चचा भी आए हैं जो कि परेशान है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद इंग्लिश समझ में आ रहा है, इसीलिए तेलुगु बोल रहे हैं। हाँ, जो ही बोल रहे हैं अच्छा ही बोल रहे होंगे, खाली चलने के लिए बोल रहे हैं, तो चलेंगे, ये ट्रेन हिलेगा तभी तो हम भी हिलेंगे। आओ हिलो, आओ चचा, आओ आगे भागो। तो भाई चचा भीड़ी है ना, कहाँ जाएंगे आगे हम भी, धीरे धीरे बैठ जाएंगे जब ट्रेन चलेगा तो। हाँ 20 का एक भैया, 2 बैंड लेना भाई, यार एक हूँ तो एक ही खाऊंगा ना भाई। ठीक है भैया, चिल्लर का चिल्लर है ना, चिल्लर उल्लर नहीं, यही है, दे दो खिला दो, हम टेस्ट कर लेते हैं। पकड़ो भैया, और भाई शाह पकड़ भाई, यही समोसा लिया है, देख लीजिए 20 रुपए का 8 छोटा वाला मिर्ची के साथ। हाँ भैया, टेस्ट की बात करते भाई, और देखो सिंगड़ा 20 रुपए का 8 है, और टेस्ट की बात करो ठीक ठाक है। 20 कार्ड बोले मिर्ची है, पता नहीं क्या है ये, कैसा लग रहा है समोसा? 20 कार्ड बहुत टेस्टी है भाई यार, कितना यार। भीड़ कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे यार सच में। वैसे बात करें तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन तो आंध्र प्रदेश के कई शहरों में से एक शहर, यानी बहुत बड़ा शहर, और अपने देश के चौथे सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। जी हाँ, विजयवाड़ा पहला तो जानते ही है, हावड़ा, दूसरा कानपुर, तीसरा अपना देश की राजधानी नई दिल्ली, और चौथा ये अपना विजयवाड़ा। यहाँ पे 337 ट्रेनें आके रुकती है। वैसे अगर बात करें तो ट्रेन अपनी थोड़ी बहुत लेट हो चुकी है, और वो देखो बोरा बिस्तर पता नहीं क्या क्या लेके लोग घुसना चालू हो चुके हैं, मतलब ट्रेन में यहाँ से भी भीड़ बढ़ना चालू हो गया। लेकिन हम खाने पीने का जुगाड़ लगाएंगे, खाने पीने का तो मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन केला फल फ्रूट मिल रहा है, सेब संतरा वही कुछ लेते हैं। बाकी विजयवाड़ा जानते हैं कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि आपने देखा क्या खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन ये कैमरा है कि भाई वो जो आँखें कैप्चर कर पाती है वो नहीं कर पाता। आशा करता हूँ कि मेरा लुक तो बेकार रहा होगा, लेकिन क्योंकि तो मेरा शक्ल दिख रहा होगा। बाकी लेते कुछ खाने पीने, और दोस्तों कुछ खाने को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने ये संतरा ले लिया है, क्योंकि आज अंडा बिरयानी, ये बिरयानी हम नहीं खा सकते, क्योंकि मैं निकला ही हूँ धार्मिक यात्रा पे, तो भाई ये सब इग्नोर करना पड़ेगा। वैसे केला मन कर रहा ले लूँ, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा, 50 रुपये का 10, यही खा चलाते हैं, अगला स्टेशन कुछ लेंगे। और उसी के साथ ये प्यारा सा 10 रुपये का दो लस्सी ले लिया है, मसाला लस्सी करके छाँच चाहिए भाई, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, 200 रुपये में आना जरूर पीना, 200 ml। बाकी राहुल को पिलाते हैं और निकलने दीजिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सीट पे चलता हूँ तो सीट खराब गायब हो जाएगा। निकल चुके हैं भाई साहब विजयवाड़ा से इस अंधेरे गलियों में, देख सकते हो यही है, और इन सब का भी सुविधा मिलेगा, भीमर पट का पान मसाला, लेकिन हम लोग वो सब नहीं खाए, हम लोग संतरा खाए हैं, क्योंकि काफ़ी मीठा है और कोई कोई खट्टा भी है, मतलब बढ़िया है। तो भाई साहब ये ट्रेन में खाने पीने के लिए तो आपने देखा ही कि हमने क्या खाया, लेकिन ये IRCTC वाला भाई बड़ा मुश्किल से
इस ट्रेन में खाने पीने के लिए आ रहा है। खाने पीने के लिए आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो मैं आज नहीं खाने वाला, लेकिन इन भाइयों से खिला कर दिखा दूँ। देखो ये लिया है, क्या लिया भाई दिखा, दो अंडा वाला चावल लिया है, वो एक वो चिकन वाला चिकन चावल लिया है। मतलब थोड़ा सा खाना है और मैं खाने का राज बताऊंगा ना। खाना कैसा ये बता पहले तो, अच्छा नहीं है ना खाना, कैसा है भाई? अच्छा नहीं है तो इनके हिसाब से भाई खाना अच्छा नहीं है। लेकिन खाने में पता है क्या है, अंडा मिल रहा 50 रुपये का, अंडा मिल रहा 50 रुपये का, चिकन मिल रहा है 60 रुपये का। इसी में घोटाला है कि चावल की क्वांटिटी और बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दी जा रही है, इसलिए बाकी आप चावल तो खा सकते हो। मेरे ख्याल से तो नहीं खाना चाहिए। ए खाना कैसा लग रहा है भाई, खाना कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है हम जैसे वो मुंह पे फेंकेगा उसके पेंटी वाले के मुंह पे फेंकेगा। मतलब इतना घटिया खाना है तो भाई देख, देखो अच्छा दिल खोल के बोलने वाले भाई बोल रहे हैं कि उनके मुंह पे फेंकना चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल से तो खाना ना ही लेना। इस पे भी देखो चढ़ने का व्यवस्था बनाया गया है। मिशन सक्सेसफुल। तो चलिए दोस्तों, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने वाली अपनी ये विवेक एक्सप्रेस जो कि पहुंच चुकी है आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक शहर यानी राजमंड्री। और यहाँ भी लोग का वही भीड़ और जुलूम है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लोग चढ़ने वाले हैं। वैसे इसमें लोकल पैसेंजर भी चढ़ते हैं, हर एक स्टेशन पर चढ़ने और उतरने वाले, और ये कारोबार विशाखापट्टनम तक चलते रहेगा जो कि करीबन फिलहाल में वैसे तो टाइम है 12 बजे का आसपास का, लेकिन आज करीबन ये ट्रेन है 1 घंटे के आसपास लेट चल रही है। वैसे अगर राजमंड्री की बात करूँ तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर पूरे का पूरे 203 ट्रेनें आकर रुक जाती है। और राजमंड्री है भाई साहब काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपने जैसे अपने फूल की खेती के लिए, अपने यहाँ के कई सारे धार्मिक स्थल के लिए, और इसके साथ साथ पुराने धार्मिक स्थल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक भाई शहर ये तो हर एक चीज़ आपको मिलेगा ही, बाकी खाने पीने के लिए हर स्टेशन में मिल रहा है। यहाँ भी वही मछली चावल पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, और ट्रेन का खाना सुन लिया कितना बेकार है। बस आशा करते हैं कि टोपी केवल दिख रहा होगा कि हम भी दिख रहे। 2 मिनट का छोटा सा उल्टा सोचा उतर जाऊं, उतरने तो भाई लोग दे नहीं रहे, इतना भीड़ है कि कहाँ उतरने का, भीड़ देख ही लिए थे और आप भी दिखाई दे रहा हूँ। नहीं जा पाएगा और भाई गाड़ी में नहीं जा पाएगा, लेकिन जरूर जाएगा। बाकी चढ़ने वाले तो चढ़ेंगे, उतरने वाले उतरेंगे, और इस भीड़ में कहाँ चढ़ेंगे देख लो, नहीं देखेंगे ना। आओ हम सुलाते तुमको, सबको बताते कैसे सोया जाता है इस ट्रेन में। भाई सच में नहीं सो सकता है, नहीं सो सकता है, हम तुम्हें आज सो कर दिखाएगा चैलेंज। आपके साथ चलो ठीक है, बैठते हैं पहले फिर बाद में देखेंगे। और भाई साहब बहुत लोगों से शिक्षा और दीक्षा लेने के बाद हमने भी देखिए इस भाई की तरह, ये जैसा ये बना रखा इधर में इसका तरह बनाने की कोशिश किया यहाँ पे, क्योंकि ये अगला भी बन रखा है। क्यों देखो रात भर लात के नीचे खाने से बढ़िया है कि एक्सपेरिमेंट कर लेना ही बढ़िया है, क्या पता हम भी सर्वाइव कर जाए और इसके तरह शक्तिमान बन के सो जाए। भैया स्पाइडरमैन की तरह चढ़ना पड़ता है लुंगी बचा के, क्योंकि अभी लुंगी में है तो ऊपर दिखाओ भाई, नीचे का मत दिखाओ, कुछ भी हो सकता है लुंगी वालों का। और भाई इसमें बस सो जाने का है, आवाज़ आते रहते हाँ, इसमें दोनों पैर एक साथ डालने का, डाला डाला ठीक है, इसके अंदर भाई अंदर सेंटर में हाँ, ऐसे सोने का रे भाई, लुंगी पहनने का और इसके अंदर लुंगी के साथ घुस जाने का। रात भर जमीन के नीचे सोने का कोई फायदा नहीं है, इसमें भी मजा आ रहा है, लग रहा है कि झूले पे 5-star होटल में देता ना जब वो नहाने के बाद आने का, वैसा ही मजा आ रहा है। तो हम तो सोता, तुम भी सो जाता, और बाकी देखो दिखाओ इधर, और जो नहीं सोता ऐसे तो वो ऐसा सोता, तो इससे बढ़िया भाई इधर ही सो जाओ, मस्त मजे करो। बाकी देखते हैं अगर कंफर्टेबल होगा तो रात भर गुजारेंगे, वरना 2-3 घंटा सो ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के और इस ट्रेन के 3रा दिन हो चुका है और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उड़ीसा का खुर्दा रोड। बाकी हाँ पूरी जा रहे हैं हम लोग तो,
ये लोग खाना खा रहा है, सुबह सुबह उठ के पूड़ी उड़ी चाप रहा है और बाकी का नींद नहीं खुला है। हाँ भैया जा रहे हैं हम। ए भाई गुड मॉर्निंग हो गए रे, चलो उठो उठ जा उठ जा। और बाकी निकलते हैं खुर्दा रोड पे, देख सकते हैं आ ही चुके हैं लेकिन सोने वाले उठे तब तो। अरे भाई उठ रहे, ससुराल में नहीं आ रहे, उठ। और दोस्तों देख सकते हो पहुंच चुके हम लोग खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हमारे सामने से गुजर रही है पटना से अरनाकुलम जाने वाली ट्रेन, यानी ये भी केरला के साइड में जा रही है। और भाई भीड़ एक नंबर, मतलब कोई सी भी बिहार से कहीं और जाने वाली ट्रेनें होती है उसमें भीड़ दबा कर। वैसे अगर बात करें इस खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहां पे पूरे के पूरे 241 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं। और ये बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि ये जो लाइन है ये हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर पड़ता है और यहीं से एक डिवाइड हो जाती है लाइन आप सभी के लिए हमारे चार धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम पूरी जाने के लिए। बाकी ये जो ट्रेन है हमने इसको छोड़ दिया और यहाँ से हम जो पूरी जाने वाली ट्रेन है उसको पकड़ेंगे क्योंकि देखो ये तो पूरी जाएगी नहीं, भुवनेश्वर निकल जाएगी, हमें तो जाना था पूरी, आप सभी को पहले बताया था। और ये भीड़ देख सकते हैं, ये है अरनाकुलम, देखिए मालगाड़ी में भी माल की तरह आदमी घुस चुके हैं। बाकी क्या कीजिएगा, बिहार के कहीं भी जाने वाले हर एक ट्रेन में यही हालत होता है। दोस्तों देखिए हमारी डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन निकल चुकी है, बाय दोस्तों। और हमारे पूरी जाने के लिए भी ट्रेन आ चुकी है, देखिए कामाख्या पूरी, बाय। और बाकी हम इसी कामाख्या पूरी में पकड़ के चले जाएंगे अब पूरी। अच्छे टाइम पे आ गई, मतलब इस ट्रेन से उतरे और अपनी दूसरी ट्रेन आ गई, 30 रुपये का टिकट पड़ा दोनों आदमी का, 30-30 रुपये का, मतलब 60 रुपये का, पकड़ के चले जाएंगे अब पूरी। देखिए अच्छा खासा कंडीशन है आ रहे यहाँ तक, मतलब स्लीपर है बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक ठाक टिकट मिल सकता है शायद कामाख्या से अगर पूरी आना हो आपको अभी। और फाइनली दोस्तों देख सकते हो पहुँच चुके हैं पूरी के जगन्नाथ धाम रेलवे स्टेशन। और बात यह है कि अब यहाँ से हम लोग जाएंगे समुंदर में नहाने के लिए, जिसके लिए 15 रुपये का बस मिलता है यहीं से बस स्टैंड से ही, यहाँ से पकड़ के चले जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट मंदिर जाना है तो 20 रुपये दे के जा सकते हो। चलिए हम लोग नहाते धोते समुंदर का मजे लेते हैं। और दोस्तों फाइनली हम लोग पूरा का पूरा उड़ीसा का खूबसूरत खूबसूरत जगह तो घूमे ही, मतलब पूरी में ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया और आप सभी से बीच में बातें करना भूल गया। तो अब रात को हम लोग वापिस जा रहे हैं, भाई को जनरल में लेके, अब घूमने के बाद मजा आया कि नहीं? मैं बहुत भाई मजा है बहुत भाई। बात करें तो अगर आप सभी ने जगन्नाथ धाम नहीं आए हैं, उड़ीसा के मजे नहीं लिया है ना, तो एक बार आइए घूमिए फिरिए और मजा लीजिए। बाकी हम चलते हैं ट्रेन जर्नी के लिए दूसरी बनाने के लिए, जब तक ले दीजिए जय हिंद। और हाँ पता नहीं क्या करना है, वीडियो का लाइक चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप सभी को हमेशा मुस्कुराते रहना है हमारे साथ।